किस मैट्रिक्स के ऊपर कौन सी फिलोसफी को फॉलो करना है कौन सी अप्रोच को लेकर चलना है लेट मी शेयर इट विद यू इन डिटेल तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद है जिसमें दो एक्सेस मौजूद है हमारे पास सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है और दूसरा सेल्स से रिलेटेड है सो so, आप एज ए रिटेलर सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या है सो प्रॉफ़िटेबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या है आपके बिजनेस का फॉर एग्ज़ाम्पल योर एवरेज प्रॉफिट इज फाइव परसेंट फॉर एग्ज़ाम्पल तो अब वो रिटेलर ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन सी मेरी प्रोडक्ट आइटम्स कैटेगरीज ऐसी हैं कि जो कि मोर देन फाइव परसेंट है और कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि फाइव परसेंट से कम हैं इसी तरीके से वो सेल्स को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है पहले वो एवरेज कैलकुलेट करेगा कि पर वीक या पर मंथ मेरी कोई प्रोडक्ट कितना सेल होती है फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन एवरेज पर वीक या पर मंथ मेरी एक प्रोडक्ट के टेन यूनिट सेल होते हैं सो नाउ द रिटेलर विल सी कि मेरी ऑन एवरेज कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसमें यूनिट सेल्स टेन से ज़्यादा है और कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसमें यूनिट सेल्स टेन से कम है इस पैरामीटर के ऊपर पैरामीटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल्स के ऊपर वो अपनी पूरी कैटेगरी मैनेजमेंट को डिफाइन करता है और एक्सप्लेन करता है और देन उसकी बेसिस के ऊपर एक्शन लेगा तो फॉर एग्जाम्पल रिटेलर सबसे पहले हम बात करते हैं हाई पोटेंशियल की हाई पोटेंशियल क्या है ये वो कैटेगरी है वो प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी इज मोर एवरेज यानी कि फाइव परसेंट जिस तरह अगर हमने डिफाइन किया दॉफिट तो मोर प्रोफिटल सेगमेंट है हाव एवर इसकी सेल जो है वो लेस है इन देश फ्योर है देन दज इस तरह के केसेस के अंदर ये हाई पोटेंशल कैटेगरीज कहलाती हैं और नॉर्मली हाई पोटेंशियल कैटेगरीज के ऊपर रिटेलर क्या एक्शन लेता है वो प्रोमोट करता है ज्यादा बिकॉज मार्जिन इनके ऊपर ज्यादा है इनकी पोजीशनिंग को इंप्रूव करता है ताकि कस्टमर से ज्यादा सेल्स को जनरेट किया जा सके इसको ज्यादा फेसिक्स देता है इसकी मर्चेंडाइज को इंप्रूव करता है इसके सैम्पल डिस्प्ले करता है इसके ऊपर प्रमोशंस कोपोन्स स्कीम्स अनाउंस करता है रिटेलर का टारगेट क्या है एक प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसी है जो कि हाई पोटेंशियल है हाई पोटेंशियल है लेकिन उसकी सेल्स वॉल्यूम लेस है तो रिटेलर यह कह रहा है प्लान करता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सेल्स को जनरेट करना है बिकॉज देन आई विल बी गेटिंग मोर मार्जिन देन दी एवरेज मार्जिन इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दूसरे परस्पेक्टिव में तो हमारे पास है अंडर अचीवर कैटेगरी ये वो कैटेगरीज हैं जिनको डॉक्स कैटेगरी भी कहा जाता है इनके ऊपर आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी लेस है और इनकी सेल्स भी लेस है देन दी एवरेज तो अगर आपकी एवरेज जो सेल्स है वो भी एवरेज सेल्स से कम है आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी से कम है तो इसका मतलब ये है ये कैटेगरीज अंडर अचीवर कैटेगरीज हैं या डॉक कैटेगरीज हैं और ऑफ कोर्स बड़ा विजिबल एक्शन इसके ऊपर है कि आपको क्या करना है आपको इनकी प्राइस को इनक्रीज करना है ताकि आप इसके ऊपर मार्जिन को इम्प्रूव कर सके इनकी पोजिशन को लोअर करना है इनके ऊपर कट प्रमोशंस देनी है सो दैट यू कैन जनरेट मोर सेल्स एंड देन

ये वो कैटेगरीज़ हैं जो कि नॉर्मली कस्टमर की ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा बिल्ड करती हैं कस्टमर इनकी वजह से किसी रिटेल स्टोर की तरफ आता है सो so, नॉर्मली इस तरह की कैटेगरीज़ में दो बातें होती हैं कि यहाँ पर जो मार्जिन है जो प्रॉफिट है वो लेस है इन तरह कैटेगरीज में लेकिन जो सेल्स है इन कैटेगरीज़ की वो ज़्यादा है बिकॉज सेल्स ज़्यादा होने की वजह से कस्टमर की ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से ये ट्रैफिक बिल्डर कैटेगरी कहलाती हैं इनके ऊपर नॉर्मली रिटेलर क्या करता है दे वट एक्शन द रिटेलर शुड टेक दे शुड रिव्यू प्राइसेस उनकी पोजीशन को लोअर करें उनकी स्पेस को एक्सपेंड करें बिकॉज कस्टमर इज लुकिंग फॉर मोर एंड मोर प्रोडक्ट थोड़ी स्पेस होगी तो ऑफकोर्स शेल्फ एम रह जाएंगी जब शेल्फ एम रह जाएंगी तो ऑफकोर्स कस्टमर डिसअपॉइंटमेंट होगी कस्टमर लॉयल्टी डिस्टर्ब होगी फिर नॉर्मली रिटेलर यह करता है कि जो हाई पोटेंशियल कैटेगरीज हैं उनको मिक्स करता है ट्रैफिक बिल्डर कैटेगरीज के साथ उनको क्रॉस सेल करने की कोशिश करता है ताकि सेल्स भी इंक्रीज हो ट्रैफिक बिल्डर कैटेगरी से और मार्जिन इंक्रीज हो जाए हाई पोटेंशियल कैटेगरी से और लास्ट काम जो ट्रैफिक बिल्डर कैटेगरीज के ऊपर किया जाता है दैट इज टू इंप्रूव डिस्प्ले बिकॉज कस्टमर इज एक्चुअली लुकिंग फॉर दीज प्रोडक्ट्स इन द रिटेल स्टोर जो फोर्थ कैटेगरी टाइप है दैट इज विनर्स ये वो कैटेगरीज हैं जो के जो के हर तरह के रिटेलर के लिए की टारगेट्स हैं ये वो कैटेगरीज़ हैं जो के हाई प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आ रहे होते हैं और हाई सेल्स भी लेकर आ रही होती हैं तो विनर कैटेगरीज हैं रिटेलर के का ख्वाहिश होती है कि उसकी तमाम कैटेगरीज शुड बी विनर कैटेगरीज़ बट ऑफकोर्स एक रिटेल स्टोर के अंदर देर विल भी कैटेगरीज जो कि विनर कैटेगरीज़ होंगी देर विल भी कैटेगरीज होंगी तो विनर प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स करती है उसकेटेगरीज उनकी पोजिशनिंग को इंप्रूव करता है उनकी फेसिंग्स को बढ़ाता है उसको मोर डिस्प्ले देता है सेकेंडरी डिस्प्ले देता है उसकी डिस्प्ले को इंक्रीज करने की कोशिश करता है ताकि बिजनेस uh, के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो बिज़नेस के लिए ज़्यादा सेल्स हो रिटेलर के एक स्टोर में इन चारों कैटेगरीज का होना नॉर्मली मस्ट है बिकॉज़ कुछ कैटेगरीज विल बी ट्रैफिक बिल्डर्स हाउ एवर कुछ कैटेगरीज विल बी हाई पोटेंशियल कैटेगरीज़ यानी कि स्लीपर कैटेगरीज जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी तो है लेकिन सेल्स uh, नहीं है कुछ कैटेगरीज विनर कैटेगरीज होंगी और कुछ कैटेगरीज डॉग कैटेगरीज होंगी नॉर्मली विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉट ऑफ कैटेगरीज गेट इन टू डॉग कैटेगरी द लो अचीवमेंट कैटेगरी तो उसको रिटेलर उसको डीलिस्ट करके अवॉइड कर देता है और एम करता है कि वो कैसे अपनी विनर कैटेगरीज़ को इम्प्रूव कर सके इंक्रीज़ कर सके ग्रो कर सके प्रमोट कर सके ताकि उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा सेल्स जनरेट हो सकें